तो गुरु, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि हाउचन उस लड़की को बचाने के लिए डेवन बुल्फ से लड़ाई कर लेता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे पार्ट फोर में क्या होता है। तो गुरु, पार्ट फोर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउचन एक बार फिर से उस लड़की को डेवन बुल्फ से बचाने के लिए एक फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि वह अकेला नहीं, इस बार वह लड़की भी खड़ी होती है और फिर वह दोनों एक साथ मिलकर उन डेवन बुल्फ पे अटैक कर देते हैं। लेकिन देखते हैं डेवन बुल्फ को कुछ हद तक तो वो पीछे कर रहे होते हैं और कूट रहे होते हैं, यानी पीट रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन एक डेवन बुल्फ से पिट जाता है, जिसे लड़की बचाने आती है लेकिन लड़की भी पिट जाती है और फिर डेवन बुल्फ उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है। देखते हैं कि लड़की अपने कॉन्शियसनेस में, यानी अपने माइंड के अंदर चले जाती है, जहाँ पर उसे एक ब्लैक स्मोक आ रहा था और कह रहा था कि तुम किसी की को फ्रेंड नहीं बना सकती, तुम फ्रीडम को नहीं कर सकती, तुम्हें अपना एग्जाम पास करना होगा और तुम्हें सिक्स सेंस लॉस करने पड़ेंगी और आखिरी में तुम्हें अपनी लाइफ भी लॉस करनी पड़ेगी। लेकिन हम तभी देखते हैं कि हाउचन उस लड़की को बचाने के लिए आता है, लेकिन देखता है कि एक मिस्टीरियस सी पावर आती है और उन सब डेमन वॉल्व को एक एक करके मारने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस से बंदे को जो कि अपनी लाइटनिंग पावर से सारे डेमन वॉल्व को किल कर देता है। अब हाउचन को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार डेमन वॉल्फ किसको किसने मारा। तभी वो मिस्टीरियस में हाउचन के सामने आ जाता है और उस लड़की को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उससे डरी हुई होती है और उसके साथ नहीं जाने के लिए कहती है। तो बीच में हाउचन आके कहता है, अंकल लगता नहीं है लड़की आपके साथ जाएगी। अब इस बात को सुनकर उस मिस्टीरियस को काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा आता है, वह हाउचन के पीछे जाकर उसे बेहोश कर देता है। इस बात से उस लड़की काफ़ी नाराज हो जाती है। तो मिस्टीरियस मैन उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि अगर मैं इसे बेहोश नहीं करता तो मुझे डर था कहीं ये मारा ना जाए, क्योंकि इसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुकी हैं। तो इस बार पर लड़की उससे कहती कि इसकी प्लीज़ हेल्प करो, जिसके लिए मिस्टीरियस मैन मान तो जाता है लेकिन वह एक शर्त रखता है कि अगर तुम यहाँ से कभी भागोगे नहीं और तुम अपने रीइंकार्नेशन सेंट के एग्ज़ाम को पूरा करोगे तभी मैं इस बात पर मैं उसे इस लड़के की हेल्प कर सकता हूँ। जिसका नाम सुनते ही वो लड़की काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वह हाउचन को फिर से देखते हुए उसके लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिस्टीरियस मैन अपने लोटस फर्नेस को निकाल कर अपने किसी स्पेल को कास्ट करते हुए उसे हाउचन के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं लोटस फर्नेस अपने काम करना हाउचन के ऊपर स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो अपनी एनर्जी सप्लाई करता है, जिसकी वजह से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ग्रास लोटस भी उगाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाउचन की बॉडी रिकवर होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उस मिटीरियल मैन को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर इतने कम लेवल के होते हुए भी हाउचन इतनी देर तक उन डेवन वॉल्व से कैसे लगाए, इस बात को जानकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो अपने लोटस फर्नेस की मदद से उस क्रिस्टल्स को धीरे धीरे हाउचन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से हाउचन की बॉडी धीरे धीरे करके रिकवर होने लगती है। और फिर वह एक साथ जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं एक साथ हाउचन की बॉडी के अंदर डाल देता है, और हम देखते हैं कि हाउचन के बॉडी के शरीर के अंदर जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो सारे अनलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाउचन के एक दो लेवल भी अप हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से एकदम रिकवर हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं वह मिस्टीरियस मैन अपना फर्नेस वापस रख लेता है और उस लड़के से कहने लगता है कि इस लड़के को मैंने पूरी तरह से हील कर दिया और इसका एक लेवल अप भी हो गया होगा, क्योंकि इस लड़के ने आपकी जान बचाई है, इसलिए इसके लिए ये एक रिवॉर्ड से कम नहीं है। फिर वह मिस्टीरियस मैन उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, लेकिन वह लड़की उसका हाथ छुड़ाते हुए वह वापस से उसी हाउचन के पास आ जाती है। वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और फिर उसे अपना रिंग पहना देती है। अब यह देखकर उस मिस्टीरियस मैन कहता है कि यह रिंग आपको गॉड ने दी है, इसीलिए इसे आपको वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन वह लड़की नहीं मानती है, तब भी उसे पहना देती है। और फिर हम देखते हैं वह लड़की उसका तलवार, उसका जितना भी सामान होता है वो उसे उठाकर उसके पास रख देती है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो लड़की उस मिस्टीरियस मैन के साथ चली जाती है। और फिर हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मैन उसको लेते हुए कहीं गायब हो जाता है। फिर दोस्तों, तो यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। तो यार नेक्स्ट पार्ट तो भाई जल्दी कल ही आ जाएगा। तो यार मेरे चैनल को क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया क्यों, तो कर लो यार। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं, बाय यार, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।